कोई भी आदमी मांगने काम लेके गए हो तो वह यही कहे कि साहब भी पीसा कोनी पीसा कोनी एक पीसा देना पीसा ना है उन्होंने रोना रोता रहा। 5 साल में डॉक्टर साहब राजकुमारी सारिया ने बनाया वो कह जी मैं ईमानदार हूँ भाई ईमानदार थे होगा ईमानदार ना चाटनू है भी इतने काम ही ना करोगे तो जनता का पट्टा जारी करो जनता ने जो मूलभूत सुविधा मांगी सड़क रोशनी पानी बिजली वो उपलब्ध कराओ। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान। सभापति गणेश राज बंसल का ग्राम पंचायत श्रीनगर में किया गया भव्य स्वागत। हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ग्राम पंचायत श्रीनगर पहुंचे तो ग्राम वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर गणेश राज बंसल ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरह से शहरी क्षेत्र का विकास हुआ है उसी तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास होगा। यहां आपको बता दें कि सभापति गणेश राज बंसल हनुमानगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हो गया जो मारो मान सम्मान करे भी वास्ते महेश देव थारा आभारी रहांगा। अब थे आप देख रहे हो भी 3.5 साल पहली थारा आशीर्वाद हूँ माने हनुमानगढ़ की सभापति बनने का मौका मिले हो। मैं पूरे 60 वार्डा में न कोई बीजेपी न कोई कांग्रेस और न कोई निर्दलीय मैं मानता हूँ मैं सारे वार्डा में समान रूप हूँ काम करवाए हो। कोई भी वार्ड में मैं काम कौन छोड़े हो भी हो बीजेपी हो साहब मैं कौन करवा सारे 60 वार्डा में मैं समान रूप काम कराए हो। आज शहर थारा सामने है शहर के बच्चों की बात की गवाही दे रही है कि साहब गणेश राज जी काम कराए हो। मैं एक टीम भावना को काम करे हो सारा जना विकास का साथ दियो फिर देख रहे हो अभी थे अखबार पढ़ो भी दूसरी नगर पालिकाओं में जब कभी मीटिंग हो गया तो बड़े विपक्ष का लोग मेजा पलटा है नारा लगा हुआ है कभी आपस में लड़ाई भी है लेकिन हनुमानगढ़ की नगर पालिका की कभी भी बैठक हुई है थाना कभी भी कोई लड़ाई दंगो या कोई मेजा पलटेड़ी या कोई शोर मचाए डो इस कभी अखबार में कोई आयो क्योंकि सब संतुष्ट है और सब अपने कामों में संतुष्ट है और जनता संतुष्ट है कभी भी हमारी कोई शिकायत कोई हुई एक दो ब्लैकमेलर लोग हैं भाई बड़ी शिकायत करता फिर आपका स्वार्थ वास्तव है लेकिन आम जनता मारो खुश है। ये देखिए भी हनुमानगढ़ में थे और सड़क जब वो पुल ढड़ो पुल ढलता ही पहले थाने गंदगी को दर्शन करना पड़ता अब आज बड़े 18 बीघा में सुंदर पार्क बना दियो फिर घूमे भी आया होगा अंदर बच्चों वास्ते झूला जवाना वास्ते जिम सब कुछ बीमा व्यवस्था है शौचालय की व्यवस्था है कैंटीन की व्यवस्था है। आज थे जाके देखोगा यही टाइम 2000 आदमी बैठा है बच्चे बच्चियाँ वे औरतें वे सारा लोग घूमता हुआ मिलेगा झूला झूलता मिलेगा और जिम करता हुआ मिलेगा। तो अभी देखे थे केजरीवाल साहब में भगत सिंह चौक भारत माता चौक अटा सिग्नल लाइटा लगवा दी कुल मिला गए मे शहर ने कोई भी आदमी मांगने काम लेके गए तो वह यही कहे कि साहब भी पीसा कौन पीसा कौन एक पीसा देना पीसा ना है उन्होंने रोना रोता रहा। पिछले 5 साल में डॉक्टर साहब राजकुमारी सारिया ने बनाया वो कह जी मैं ईमानदार हूँ भाई ईमानदार थे होगा ईमानदार ना चाटनू है भी इतने काम ही ना करोगे तो भी शहर हमें जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी को फिर निर्वाह करो जनता को काम करो जनता का पट्टा जारी करो जनता ने जो मूलभूत सुविधा मांगी सड़क रोशनी पानी बिजली वो उपलब्ध कराओ। नमस्कार मेरा नाम विनोद मेघवाल है मैं ग्राम श्रीनगर से हूँ और हमारी पंचायत में गणेश राज जी बंसल का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है और आने वाले समय में हम गणेश राज जी बंसल को ही हमारा नया चेहरा देखना चाहते हैं और हमारे गांव के जो प्रत्येक एक एक घर से आवाज़ यही आ रही है कि गणेश राज जिंदाबाद गणेश राज जिंदाबाद। सारा भाइयों राम राम है। हमारा आज गांव श्रीनगर पंचायत में गणेश राज जी बंसल को प्रोग्राम हुए तो हजारों संख्या में लोग भेड़ा हुआ इकट्ठा हुआ तो मैं तो माने बदलाव जरूरत है क्योंकि हनुमानगढ़ में शेर देखे माने तसली हुई जिल है वो। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।